हाय, कैसे आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट। तो लास्ट लेक्चर में जहां हम लोग छोड़े थे रिवर स्विमर का, आज उसी का पार्ट टू होने वाला है। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। देखो, जहां पर इंस्ट्रक्शन को दिया जाएगा, अगर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा। सवाल बनता है फिजिक्स में? अरे, इस क्या बात है सर, यही तो समस्या है कि सवाल नहीं बनता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सवाल बनता है कि नहीं बनता है। पूरे हिंदुस्तान में यस, जबरदस्त कर देना है, जबरदस्त। तो हम लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम का बात कर रहे थे, पार्ट टू है आज। तो थोड़ा सा एक स्लाइड से हम लोग आगे देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू रिवर स्विमर केस, मतलब ये पानी में देख रहे हो छपाछप कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी में छपड़ 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 कर रहा है। इसे मैं तैराऊंगा अभी पानी में, नदी के इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे इसको। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, वहीं पर आ गए हम लोग। इस रिवर स्विमर प्रॉब्लम में जो बात होगी ना, वो ये होगी कि एक था नदी। क्या था? एक था नदी। उस नदी में पानी बहती थी, कितना स्पीड से? यू स्पीड से। यू उसका वेलोसिटी है, यू मैग्नीट्यूड, स्पीड बोल देते हैं। और उसमें एक नाव था, ठीक। नाव में एक, नाव का स्पीड यू था। उसमें एक ऑब्जर्वर था, वो ऑब्जर्वर बेचारा बैठा था इस तरह से एकदम मस्त होके। इसको ऑब्जर्वर नंबर दो माने, ये मोशन को देखेगा, स्विमर के मोशन को देखेगा ये। और एक ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा है, इसे भी कुर्सी दे देते हैं। ये ऑब्जर्वर अर्थ पर है, ये ऑब्जर्वर नंबर एक है, ये ऑब्जर्वर नंबर दो है। अब यहां पर एक स्विमर है, मान लेते हैं स्विमर का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर बोले थे इसके। ये यू जो यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्वी वेलोसिटी ऑफ ये यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। लास्ट लेक्चर वाला वीडियो जरूर देख लेना। यानी वाटर का, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी यू है और इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी भी, इस बात को ध्यान देना। तो सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर क्या होगा? अर्थ मतलब यहां से जो देखेगा ना, उसको कैसे नजर आएगा? ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था इस पर, तो आज एक बार रिव्यू कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, लिखेंगे अब प्लस वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ प्लस ने माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख देंगे। बहुत बढ़िया। तो स्विमर का जो अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा वो क्या होगा? स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में जो होगा ना, स्विमर का वाटर के रिस्पेक्ट में प्लस वाटर का अर्थ के रिस्पेक्ट में। यानी बताए थे ये हुआ एब्सोल्यूट, ये कैसा हुआ? ये हुआ एब्सोल्यूट, ए बी एस ओ एल यू टी। ये हुआ रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में। ये वाटर का है, ये हो गया रिफरेंस, रिफरेंस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा रिलेटिव, यानी स्विमर का वाटर के रिस्पेक्ट, फिर वाटर का यहाँ ले लेना है। तो इसी स्विमर को अर्थ के रिस्पेक्ट में हमने निकालना है, हमने निकालना है, हमको निकालना है। तो यहाँ लिख देता हूँ वी, यहाँ प्लस यू, ये स्विमर का वाटर के रिस्पेक्ट में प्लस वाटर का। यानी यहाँ से जो व्यक्ति देखेगा वो देखेगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में भी है और वाटर खुद, यानी कहने का मतलब बस है। अब बस पर तुम बैठे हो, अब बस गया यू से और बस पर तुम गया भी से, तो बाहर बाहर लगेगा यू प्लस भी से। यस, यही तो बात है, पहले भी बताया है तुम लोगों को। वी प्लस यू,
इसी की चर्चा होने वाला है। यानी स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, स्विमर का जो अर्थ के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वी प्लस यू। आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अब नदी को क्रॉस कराना है, थोड़ा डिलीट करता हूँ सबको, चलो इसको मिटाते हैं, हम लोग मिटा देते हैं इसको। यस, अब एक आया स्विमर, कौन आया, एक आया स्विमर, थोड़ा डंडा को लंबा कर देते हैं, है ना, इसी नदी को आगे बढ़ा देते हैं। इसी नदी में आज बहुत कुछ करना है, हम लोग तैरना है, क्रॉस करना है। तो एक स्विमर लिया, एक स्विमर लिया, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा वो वी प्लस यू होगा, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो मान लेते हैं कि ये स्विमर स्विम किया, इधर की तरफ स्विम करना स्टार्ट किया, और ये थीटा एंगल यहाँ से लिया गया, और ये यहाँ से इधर हो गया यू। यू किसका वेलोसिटी है, वाटर का है, तो इस किनारे में ए नाम दे दिया, और ये किनारे में ये वेलोसिटी जो है ना वाटर का यू है, और इसका वेलोसिटी है वी। तो सबसे पहले एक काम करो, टू क्रॉस द रिवर थीटा का एंगल बताओ, टू क्रॉस द रिवर थीटा का वैल्यू बताना है, टू क्रॉस द रिवर थीटा का मान बताओ क्या होगा, कहां से कहां होगा थीटा, क्या चीज के लिए भाई, नदी को क्रॉस करने के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो कितना, जीरो से नब्बे, बोलो कहां से कहां तक, बोलो कहां कहां, बोलो कुछ कुछ बोलो, सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे ना बच्चे, कसम से बहुत आराम से समझ जाओगे और सीख जाओगे, उस सवाल तो हाँ तेरे मुट्ठी में होगा, मुट्ठी में तो रहने नहीं देते हो, क्योंकि जो बोलते हो वो करते हो नहीं ना, दिक्कत तो है। तो देखो कम से कम थीटा का मान जीरो डिग्री होना चाहिए, जीरो, जीरो मतलब अच्छी बात, बोलो बराबर जीरो कर देंगे थीटा का, मतलब क्या होगा, ये जो है ना ऐसे स्विम करेगा, ऐसे स्विम करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, चलते 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 चलते, अरे ये तो वो किनारे कभी नहीं पहुँचेगा, इसी किनारे में जीवन भर चलते रहेगा, लेकिन पार तो कभी नहीं कर पाएगा। यानी जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जीरो से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, तब ना ई पार से ऊपर कभी न कभी तो जाएगा, आज न कल पहुँचेगा। हाँ, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा थीटा का, थीटा का मान देखो, थीटा बराबर जीरो से ज़्यादा करते करते यहाँ यहाँ से यहाँ बढ़ाते 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 180 से आ गया, तो ज़मीने पर चलने लगेगा। यानी थीटा यहाँ से न बन रहा है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल थीटा 180 से ज़्यादा होगा क्या, तो ज़मीने पर चलने लगा, तो रिवर स्विमर का तो बात ही नहीं है, तो ज़मीन पर चलने लगेगा, तो ज़मीन पर तो चलना नहीं है, 180 से आगे नहीं जाना है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 180 होगा। क्या 180 बराबर हो सकता है, सोच के देखो, क्या थीटा का मान 180 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा अगर 180 होगा तो नदी मजबूत है तो इधर ही भगा देगा तुमको, और तुम ज़्यादा नदी से मजबूत हो, यानी स्विम कर रहे हो ज़्यादा स्पीड से, तो इधर किनारे किनारे, यानी पूरे जीवन पटना के गंगा किनारे में चलते रह जाओगे, पता नहीं कहाँ पहुँचोगे, पार तो कभी नहीं करोगे, क्लियर है बात। तो ये 180 से बराबर नहीं होना चाहिए कि नहीं, यहाँ जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ जीरो बराबर नहीं होना था, यानी ये दोनों नहीं होना था, यानी ये दोनों, यानी थीटा का मान कहाँ से कहाँ जाएगा, थीटा का मान जीरो से बड़ा और 180 से छोटा होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा और 180 के बराबर नहीं होगा। बढ़िया, जबरदस्त, देखो अब इस
इसका v प्लस u किधर हो जाएगा? अगर v प्लस u की बात करें ना तो v प्लस u इतने बड़ा यानी ये भी तो प्लस यू एन हुआ, ये हो जाएगा u के बराबर इधर, u के बराबर इधर हुआ और इसके पैरेलल इधर ले चलेंगे नहीं, डॉट 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 डॉट। हाँ तो ये जो बनेगा ना ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, जिसको कि हम वी प्लस यू कहेंगे। मजा आया। अब तुमको ये बताना है, क्या बताना है ये? ये बताना है कि बताना है क्या बताना है देखो बताना है ये बताना है कि इसको कौन सा, इस ऑब्जर्वर को किधर जाता हुआ नजर आएगा, इसको किधर जाता हुआ नजर आएगा। तो देखो स्विम कर रहे थे ये मुंह ऐसे 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 स्विम कर रहे थे, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे स्विम कर रहे थे, और ये वेलोसिटी भी था। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? इसके कि इसके? हाँ ये जो भी है ना, याद रखना भी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में है, और ये वाटर का रिस्पेक्ट वेलोसिटी तो ये है ना, वाटर का ही तो वेलोसिटी यू है। ओहो इसको लगेगा कि इधर जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर टू को लगेगा, ऑब्जर्वर टू को लगेगा कि इधर जा रहा है, आया समझ में? लेकिन ऑब्जर्वर वन को किधर लगेगा? ऑब्जर्वर वन को किधर लगेगा ध्यान से देखना। देखो ऐसे ऐसे स्विम कर रहे थे हम लोग, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे स्विम कर रहे थे, ईमू था, ईमू और ईमू सेम रखना है, लेकिन स्विम करेंगे ईमू भाग जाएगा ईमू, यानी ऐसे ऐसे चलते जाएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, ये लाइन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, यानी ऐसे ऐसे चलते रहेगा, दूर जाएगा तो रंग नहीं बदलेगा उसका। हाँ रंग नहीं बदलना है, यानी देखो कैसे चलेगा, यानी ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी को लगेगा ये वाला मोशन, बढ़िया क्लियर है, ये वाला मोशन, यानी वन किसको लगेगा? वन वाला, यानी इस ऑब्जर्वर को लगेगा इधर जा रहा है और इस ऑब्जर्वर को लगेगा इधर जा रहा है, तो इधर तो पहुंचेगा ना, यहां ना पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा, ए से चलेंगे बी पर पहुंच जाएंगे, क्लियर है? ए से चलेंगे कहां पहुंच जाएंगे? बी पर पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन में है एक चीज तुमको बार बार पूछेगा कि इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, बढ़िया, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, अच्छा से समझना है, सारा हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट यानी सारा रिवर स्विमर यहीं पर है, ठीक से समझना, ध्यान से समझना, दिमाग शांत करके समझना, यानी हमको v प्लस यू का वैल्यू निकालना है, इसको हटा देता हूं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, इसको हटा देते हैं, इसी में फोटो में सब समझाएंगे तुम लोग, इसलिए हटा दे रहा हूं मैं। आप देखो एक बात पता है तुमको, जैसे कि अगर ये v है, ध्यान से देखना, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा और इधर कितना होगा, कंपोनेंट निकालने आता है, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो इधर का कंपोनेंट बी का कितना होगा, बी कॉस थीटा, पढ़े होगा बी, अगर इधर बी है इधर बी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी यहाँ अगर वेक्टर बी को लिखना होगा तो वेक्टर बी को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v cos थीटा i, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये है v, तो v cos थीटा i,
वी साइन थीटा जे, वी साइन थीटा जे। अब बात आई यू का, इसको हटा देते हैं यहां से, इसको हटा देते हैं, क्लियर है। अब बात आई यू का, देखो देखो एक्स एक्सिस सीधर है, वाई एक्सिस इधर है, आई यू देखो किधर है, यू तुम ही देखो किधर है, यू तो इधर है ना, इधर है ना यू, तो यू को क्या लिखेंगे, यू को लिखेंगे यू का मैग्नीट्यूड है यू, डायरेक्शन है आई, और वाई की तरफ तो कोई है ही नहीं, इसलिए जीरो जे लिख देंगे, बिल्कुल सही। इसको भी हटा देते हैं, यस। अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस यू हो जाएगा, वी प्लस यू हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, वी प्लस यू हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू अर्थ को अगर हम लिखना चाहेंगे, वी प्लस यू का मतलब क्या, वी का मान यहां से रख देते हैं, वी का मान कितना रख दें, वी कॉस थीटा आई, वी साइन थीटा जे प्लस यू आई, बढ़िया बढ़िया है बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो आएगा वो क्या आएगा, देखो आई को, आई को एक जगह ले लेते हैं, यहाँ है आई वाला, यहाँ है आई वाला, तो क्या लिख देता हूँ मैं, वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू आई प्लस वी साइन थीटा इंटू जे, सही है, वी कॉस थीटा आई यू अब वी साइन थीटा इंटू जे, यहाँ से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, याद रखना है इसको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की अगर बात करेंगे तो वी कॉस थीटा आई, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा प्लस यू, ये हो गया आई, मतलब इधर की तरफ इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना, प्लस वी साइन थीटा जे हुआ इधर की तरफ। अब इसको मिटाते हैं, देखो क्या कहानी आया खुल के सामने, क्या कहानी आया खुल के सामने, थोड़ा बढ़िया से सिखा देता हूँ। कहानी ये आया, ये जो कहानी है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू, यानी चले थे यहाँ और पहुँच गए यहाँ, तो एक दो छोटी छोटी बातें जान लो, यहाँ से चल के जब यहाँ आए तो ये दूरी एक्स एक्सिस की तरफ है, ये दूरी x के तरफ है, और ये दूरी y के तरफ है, और y के तरफ जो दूरी है वो कितना है, वो d है, यानी x के तरफ ये हुआ और y के तरफ ये हुआ, बात समझ में आया, x के तरफ ये, y के तरफ ये, यानी a से चलेगा b, b के तरफ, तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा ये वाला, ये वाला क्या होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी इधर इतना हुआ और इधर इतना हुआ, उसको उसी को मैं यहाँ पर इन शॉर्ट समझा देता हूँ। इन शॉर्ट स्टोरी यह हुआ कि यहाँ से जब चलेगा ना तो इधर हो जाएगा वी कॉस थीटा प्लस यू, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा वी साइन थीटा, नदी को क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाएगा, समझ में आ रहा है, नदी को क्रॉस करके वहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर यही मेरा एक्स है, यही वाला, इसी को उठा के यहाँ थोड़ा छोटा फोटो बनाया, यानी एक्स डायरेक्शन में ये गया और वाई डायरेक्शन में डी गया, इसको दो पार्ट में कर दिया, बात समझ में आया, यानी ए से चलेगा और बी पर पहुंचेगा, तो ड्रिफ्ट इसको बोलेंगे, ई मत समझना कि इसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, कभी कोई कोई लोग कंफ्यूज हो जाता है, बोलते इसी को ड्रिफ्ट बोल दीजिए, इसको किसको, इसको ड्रिफ्ट बोल दीजिए, ड्रिफ्ट बोलेंगे, सब चीज़ का एक डिफिनेशन है, चले थे यहाँ अब पहुँचे यहाँ, तो पानी तो के तरफ तो इतना ना भाग गए, इसलिए इसी को ड्रिफ्ट माना गया है, क्या किया है, इसी को ड्रिफ्ट माना गया है,
तो इधर हम कुछ टाइम इस साइड से उस साइड जाने का टाइम निकाल देता हूँ, ठीक। इसको मिटाते हैं, टाइम निकल जाएगा आराम से। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अब हेडिंग देना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। हेडिंग क्या देना है? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर मतलब ए से बी जाने का टाइम, यही ना, यानी टी इज इक्वल टू कितना होगा। आप देखो यहां से जब यहां जाएगा तो एक्स एक्सिस की तरफ दूरी हुआ ये, वाई की तरफ दूरी हुआ है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, एक्सलरेशन जीरो रहेगा, तब इसमें से किसी को एक्सलरेशन नहीं है। तो यहां से यहां पहुंचेगा तो वाई डायरेक्शन में कितना है? डी है। और वाई डायरेक्शन का स्पीड कितना है? देखो ये है वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। अब बात करें एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में तो एक्स माने है, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? वी कॉस थीटा प्लस यू, यस वी कॉस थीटा प्लस यू। अगर हम बात करें इस तरफ की दूरी, तब इस तरफ का दूरी है ए बी और इस तरफ का स्पीड कितना है? यस वी प्लस यू का मैग्नीट्यूड, ये भी हो सकता है टाइम। अब ये इसको भी कर सकते हो, v प्लस यू का मान क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू वी यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा a से b जाने का टाइम। ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना है, मेन याद रखना t बराबर d बटे v साइन थीटा, सीधा सीधी इधर का दूरी इधर का स्पीड, इधर की दूरी इधर का स्पीड, ये हुआ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बराबर क्या होगा? इधर का स्पीड गुना टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर अब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का एक्स कंपोनेंट इन टू ले लेंगे टाइम, यही ना है, यही है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो निकालना चाहोगे तो एक्स बराबर कैसे निकलेगा? देखो तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू, इसको बिटाते नीचे, इन दोनों से अगर तुमको बोले कि एक्स का मान निकालो, या एक्स क्या है? ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट बराबर क्या है? ड्रिफ्ट बराबर यहाँ एक्स है, तो एक्स बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वी कॉस थीटा प्लस यू, और टाइम बराबर क्या होगा? डी बाय वी साइन थीटा, डी बाय वी साइन थीटा। फिलाई बिल्कुल नहीं समझ में आया? यस सर। तो देखो इस एक्स को निकालना, इसको इधर गुना करो, देखो यहाँ आ गया, ये देखो आ गया। इस तरह से सोचे हैं तब, अगर इस तरह से सोचते हैं कि इधर की दूरी यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यानी एक्स की तरफ आया, यहाँ यहाँ से यहाँ पहुँचने का मतलब क्या हुआ? एक्स की तरफ ये और वाई की तरफ ये, तो एक्स की तरफ ये गया और वाई की तरफ ये गया, तो इधर की तरफ स्पीड है इतना और टाइम लगा डी बाय वी साइन थीटा। समझ में आया? इस ड्रिफ्ट पर भी बात होगी। अब हम यहाँ जानना चाहते हैं दो बात, कौन कौन बात? देखो अब यहाँ से दो बात होगी। पहला बात देखो ये हो सकता है, पहला क्या हो सकता है? कंडीशन व्हेन स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, एक केस ये हो सकता है, और दूसरा है यानी कंडीशन व्हेन स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक केस ये बन सकता है, और दूसरा केस क्या बन सकता है? देखो दूसरा भी केस बन सकता है जब स्विमर चाहेगा रीच पॉइंट बी अपोजिट पॉइंट, यानी जीरो ड्रिफ्ट करने के लिए, तो दोनों का एक क्वेश्चन आएगा आगे। तो उससे पहले एक छोटा सा बात हम लोग कर लेते हैं, ये वाला केस, कंडीशन व्हेन स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, यानी मिनिमम टाइम क्या निकालना है? मिनिमम टाइम। टाइम का क्या वैल्यू आया अभी हम लोग क्या देखे टाइम का वैल्यू? लास्ट स्लाइड को मिटाते हैं हम लोग। टाइम का हम लोग क्या देखे? टाइम का हम लोग देखे
ये वैल्यू आया, हम चाहते हैं कि टाइम का मिनिमम वैल्यू ले आए। क्या चाहते हैं? टाइम का मिनिमम वैल्यू लाना और ग्राफ भी बनाना चाहते हैं। तो सारे स्लाइड को हम मिटा देते हैं, ठीक। ये देखो क्या हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं टाइम बराबर आया डी बाय वी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, स्विमर जो एंगल बना रहा है रिवर के साथ। तो अब एक बात बताओ कि साइन थीटा का मान जब मैक्सिमम होगा तो टी का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, मिनिमम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? साइन थीटा का मान, नीचे का मान, ये वाला मान जब ज्यादा होगा, ये अगर ज्यादा तो ये होगा कम। ये बात समझ में आया? अब देखो लिखते हैं टी विल बी मिनिमम, टी विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। रेडियन में बात करें तो पाई बटा 2 होता है, यानी पाई बटा 2 एंगल पर जब स्विम करेगा ना, तब जाके यहाँ से चलेगा और उस साइड सबसे कम टाइम में पहुँच जाएगा। तो थोड़ा सा ग्राफ उराफ भी थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं तब हम लोग बात करेंगे इसका, पहले ग्राफ उराफ समझ लेते हैं टाइम का। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तुमको। इधर टाइम ले लिया, नहीं इधर ले लिया एंगल, इधर ले लिया एंगल और इधर ले लिया टाइम, और हम लोग बात करते हैं इसका, यस इसी का बात करेंगे अभी। यानी यहाँ ओरिजिन हो गया और वो वाला कलर बड़ा सुंदर लग रहा था रे, यस ये वाला प्लस कर देता हूँ इसमें, ठीक यस आ गया। यहाँ से हम लोग चाहते हैं ग्राफ खींचना। अच्छा एक बताओ, थीटा का मान ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ में कहाँ तक जाएंगे हम लोग, पता है तुमको? पता नहीं है, 180 से आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि नदी को क्रॉस करने में 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं बनाएंगे, याद है कि नहीं? याद है, पीछे समझ लेना, थीटा का मान मैक्सिमम 180 होगा, यस। अब देखो इसमें ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ बीच में पाई बटा 2 आया था, तो पाई बटा 2 पर टी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? टी का वैल्यू मिनिमम कितना आएगा? डी बाय फी, जब ये 1 हो जाएगा, यानी टी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? टी का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा डी बटा वी, और ये कब होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बटा 2। इसको तो क्या बोलते हैं, इसको याद कर लेना पड़ेगा। सो क्या करना पड़ेगा? हाँ इसको याद कर लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा, याद क्या करना है। अब देखो ध्यान से देखना, इसको हटाते हैं इधर, देखो अब हम चाहते हैं कि ग्राफ खींचना। ग्राफ कैसे खींचेंगे? नॉर्मल ग्राफ तो नहीं है। अब देखो टी बराबर क्या आया था? टी बराबर आया डी बाय वी साइन थीटा, ओके। तो अब देखो अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा? डी बाय वी गुना 0, यानी टी बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी अगर साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 होगा तो साइन थीटा बराबर 0 होगा, तो टी बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो अगर थीटा बराबर पाए हो जाएगा, थीटा बराबर पाए हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर साइन पाए हो जाएगा, थीटा की जगह पाए दे दी और साइन पाए बराबर 0 हो जाएगा, तो टाइम बराबर क्या होगा? डी बाय वी गुना 0,
ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी डी बटा जीरो होगा ना, डी बटा जीरो बराबर इन्फिनिटी। इसका अर्थ हुआ टेंस टू, इसीलिए देते हैं कि यहाँ का ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ये जीरो होगा तो इन्फिनिटी होगा। ग्राफ खींचना है, कोई मैथमेटिक्स नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सबसे कम होगा आपका वैल्यू कितना होगा, डी बाय वी, यानी यहाँ पर सबसे मिनिमम होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, यस 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 यस, यानी जीरो पर भी इन्फिनिटी और पाए से पहले भी इन्फिनिटी। बोले थे ना टी बराबर यानी थीटा बराबर जीरो रखेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम, यानी कभी ई पार से ऊ पार नहीं पहुंचेगा, तो मज़ा कब लेगा उस सब तरफ का। अब पाए दे देंगे तब भी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ग्राफ इस प्रकार का होगा। समझ में आया, एक मज़ेदार चीज हम लोग लेते हैं अभी, देखो हम लोग इसमें क्या आया उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। क्या आया, आया यही कि नदी में पानी बह रहा है यू वेलोसिटी से, तो कहता है कि अगर इस तरह से 90 डिग्री पर स्विम करेंगे, रिवर के डायरेक्शन से 90 डिग्री यानी पिवोटेड टू पर अगर स्विम करेंगे तो क्या यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएंगे, कतई नहीं, कभी नहीं पहुँचेंगे, तो यहाँ पहुँचेंगे तो स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में तो वी प्लस यू न होगा, यानी यहाँ जो ऑब्जर्वर रहेगा उसको तो लगेगा इधर जा रहा है, यस यस यही होगा, यानी ये जो मेरा एक्स है ना जीरो नहीं होगा इस केस में, लेकिन टाइम हो गया मिनिमम टाइम इस केस में कितना लगेगा, देखो इधर जाने का दूरी, इधर की दूरी है डी, उधर का स्पीड है भी, तो डी बटा वी होगा, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स ये वाला दूरी है ना एक्स, तो एक्स है इधर की तरह, यानी यू टी यू है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी एक्स गुना टी होगा, ए एक्स बराबर जीरो होगा, यानी वी एक्स गुना टी होगा, और वी एक्स मतलब क्या, यहाँ यू न है रे, वी एक्स तो मेरा यू है ना, यहाँ वी एक्स है यू, और टी बराबर कितना हो जाएगा डी बटा वी, यानी ये क्या हो जाएगा यू, टाइम हो गया डी बाय वी। आया समझ में, तो देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम, पहले इसका फंडा को फिनिश कर लेते हैं, दूसरा केस देखो यह कर लेते हैं। कंडीशन व्हेन स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या आया, स्विमर शुड ट्राई टू स्विम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू, यानी थीटा बराबर कितना पर, थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री कर देना है, यहाँ क्या कर देना है 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना पर स्विम करना है 90 डिग्री पे स्विम करेंगे, वेरी गुड। द स्विमर डज नॉट रीच एग्जैक्टली एट द अपोजिट बैंक पॉइंट बी ऑन द बैंक बट रीचेज द पॉइंट सी व्हिच इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट बी, यही बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये यानी यहां से चलेगा ई तरफ, तो बोल रहा है ए से चल के बी नहीं पहुंचेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, यू इधर है इधर है तो पहुंच जाएगा यहाँ सी पर, यही दूरी को हमने एक्स बोला, इसी दूरी को हमने क्या बोला, एक्स बोला, समझे, और यही हुआ ड्रिफ्ट यू इंटू डी बाय वी, क्लियर है। हाँ तो अब हम लोग बात करेंगे छोटा सा अगला देखो क्या बात करने वाले, हम लोग बात करेंगे ये कंडीशन व्हेन स्विमर रीच टू पॉइंट बी अपोजिट टू अपोजिट बी, यानी इस तरह का बात करेंगे, जीरो ड्रिफ्ट का बात करेंगे। पहला बात हम लोगों ने किया, अब हम लोग कौन सा बात करेंगे, देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, ये देखो नदी है ठीक, यहाँ से चले और यहाँ पहुँच जाना है,
ऐसा क्या तरकीब है, ऐसा कौन सा जादू बनाएंगे लगाएंगे कि यहाँ से चलेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक, यहाँ से चलेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे, ओके, यानी यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचना है, कैसे होगा? तो इसका मतलब हुआ थोड़ा सा अकल लगाना है। इसका मतलब पहला तो ड्रिफ्ट बराबर, मेथड नंबर वन समझाता हूँ मैं, बेहुदा वाला मेथड क्या मतलब, बिना दिमाग सिर पैर का मेथड, ठीक है। मेथड नंबर वन में ए से चल के जब बी पहुँचेगा तो ड्रिफ्ट बराबर कितना हुआ, मैथमेटिक्स से बना रहा हूँ, मतलब इस तरह से नहीं बनाना है, ए से जब बी पहुँचेंगे अपोजिट बैंक पर जीरो, तो क्या होगा ड्रिफ्ट बराबर, क्या होगा ड्रिफ्ट बराबर जीरो। और ड्रिफ्ट बराबर फार्मूला क्या था, वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू डी बाय वी साइन थीटा, याद है, ये ड्रिफ्ट है और इसको बराबर जीरो कर देंगे तो ए से बी पहुंच जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब हुआ इसको जब जीरो करोगे तो क्या बचेगा, वी कॉस थीटा अब प्लस यू, इसको इधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब वी कॉस थीटा प्लस यू इज इक्वल टू जीरो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू। आया समझ में, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू बाय भी, याद कर लेना इसको। अब इसको एक बात बताओ तो, थोड़ा दिमाग लगा के हमको बताना थीटा का मान। देखो, अगर यू बराबर 2 किलोमीटर बराबर है, अब भी बराबर 4 किलोमीटर बराबर, तो बचाओ बच्चा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बता दो तो जाने, पक्का बता दोगे? बिल्कुल सर, -2/4 - 1/2 थीटा बराबर 100, थीटा बराबर बोले तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू, कुछ नहीं समझ में आया तो लिखना है कॉस इनवर्स -1/2, इसी को बोलेंगे 120 डिग्री, वो तो ठीक है, लेकिन ये अगर बता दोगे ना तब तुमको जाने, चैलेंज थीटा का मान बता के देखो। इफ यू इज इक्वल टू 4 किलोमीटर बराबर, ठीक, वी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर बराबर, थीटा का मान क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ थीटा का मान क्या होगा, तब जानेंगे। तुम्हारा भी तो टेस्ट होना चाहिए ना, बीच बीच में टेस्ट जरूरी है, बताओ क्या, बताओ जल्दी, वीडियो पॉज करो और बताओ, चलो वापिस आओ। क्या आया देखो, मैं बताता हूँ क्या आया, मजा आ जाएगा तुमको। इसका मतलब हुआ कि यहाँ माइनस यू वाटा भी होता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू, अभी माइनस यू, यू की जगह 4, कितना आया, हाँ ये आया था बिल्कुल, तो थीटा बराबर कितना होगा, क्या कॉस इनवर्स -2, मजा आ जाएगा, बताओ क्या आएगा। यस, अरे बच्चा -1 से छोटा थोड़े होता है कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू या तो 1 से छोटा और -1 से बड़ा, और -1 और 1 के तो बीच में ही आएगा, ये वैल्यू तो रेंज से बाहर चला गया है ना, तो इसका मतलब तो क्या कर रहे हैं, हाँ ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये तभी होगा जब यू से बड़ा भी हो जाए, यानी रिवर से ज्यादा स्विमर का वेलोसिटी होना तो पड़ेगा, यानी स्विमर का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होगा टू क्रॉस द रिवर चेकली पॉइंट। याद रखना ये कब होगा, ये तभी हो सकता है, क्या होगा ये, या तो ये क्या होगा, तभी होगा, ये तभी होगा जब जब यू से बड़ा भी होगा, यानी रिवर से बड़ा स्विमर का स्पीड हो जाएगा। क्लियर है, रिवर का स्पीड से बड़ा स्विमर का स्पीड होगा, इसके बिना कतई कभी भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं संभव है। क्लियर हो गया, यानी यादें कर लेना, कोस थीटा बराबर माइनस यू बटा वी, यानी रिवर का जितना होगा स्विमर का जितना होगा माइनस यू बटा वी, कोस थीटा को कर देना। एक और लाजवाब तरीका है मेरे पास, बता दूं? यस सर, बताता हूँ फटाफट। अच्छा, इसके हिसाब से टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसके हिसाब से अगर टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसके हिसाब से अगर हम टाइम निकालते हैं तो क्या होगा, देखो इसके हिसाब से टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर क्या होगा, देखो कॉस थीटा क्या आया, कॉस थीटा आया माइनस यू बाय वी, तो साइन थीटा क्या होगा, तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस मेथड को लगाना मत, यानी वन माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे चला गया तो वी आया, दिस इज साइन थीटा। हाँ, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, टी इज इक्वल टू डी बाय वी साइन थीटा था, तो टी इज इक्वल टू डी, डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, डी डी बाय वी साइन थीटा के जगह क्या रख देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय वी, ये कट गया, तो टी इज इक्वल टू डी बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हुआ टाइम, ठीक। और ड्रिफ्ट तो जीरो ही है, ये कब होगा, जब ड्रिफ्ट का मान जीरो होगा, लेकिन इस मेथड से नहीं बनाना, तुझे मैं सिखाता हूँ मैं फटाफट वाला मेथड, तो जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ फटाफट मेथड लेने के लिए, ठीक। तो देखो ये है फटाफट मेथड, मज़ा आएगा तुमको, फटाफट मेथड लेना है, बिल्कुल देखो फटाफट मेथड यही हुआ, फटाफट मेथड यही हुआ कि हमको यहाँ से चलना है और यहाँ पहुँचना है, इसका मतलब स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर हो जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर भी होगा तो इधर यू हो जाएगा, तब तो भी प्लस यू इधर होगा। हाँ सर, गजब जबरदस्त है, और इसको हम मान लेते हैं कि अल्फा है, तो साइन अल्फा फटाफट निकल जाएगा, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हुआ ना यू, कर्ण हुआ ना वी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यू बाय वी। अब बोलेगा ये एंगल कितना हो गया, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से इधर रिवर फ्लो का ना, तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा कर देंगे, 90 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या कर देंगे, अल्फा की जगह कर देंगे साइन इनवर्स यू बाय वी, साइन इनवर्स यू बाय वी, ये हुआ अल्फा, फटाफट निकाल, अरे यू बटा भी निकाल दोगे, अगला लेक्चर में तुमको जबरदस्त जबरदस्त सवाल बनाने का मौका मिलेगा। अब बताओ इसका स्पीड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड मतलब, अच्छा बताओ इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई, ये लंबाई बराबर ये लंबाई, समझा देता हूँ, देखो ये लंबाई भी है और ये लंबाई यू है, तो ये लंबाई कितना होगा, बहुत आसान है,
अरे मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, समझे। बड़ा आसान है, तो टाइम बराबर, ये तो समझ में आ गया क्या हो जाएगा, यही ना वी एस सी था, यानी इधर से इधर जाने का टाइम, टाइम क्या होगा स्पीड था, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस बटे स्पीड, इसका डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, तो डिस्टेंस बटे स्पीड, डी बराबर क्या है, डी बराबर तो डी है और स्पीड इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मजा आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, आज कुछ चेहरे पढ़ लिए, नहीं कोई बात नहीं, अगले सवालों में सवाल, अगले लेक्चर में सवालों का बौछार होने वाला है, तो फटाफट अच्छा से कर लोगे, कुछ सवाल को देखना अपने से ट्राई करके। मिलते हैं, बाय।